हेलो दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार सनी देओल की फिल्म गदर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पर इसी बीच सनी देओल ने अपनी एक और फिल्म लाहौर 1947 अनाउंस कर दी है। इसके बाद से ही सनी देओल अपनी अपकमिंग फिल्मों के लिए चर्चाओं में बने हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ये फिल्म लाहौर 1947 के विभाजन पर बेस्ड है। इस फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर राजकुमार संतोषी द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि 26 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल इस फिल्म में एक साथ काम करते नजर आएंगे। खबरों की माने तो इस फिल्म में सनी देओल के साथ उनके बेटे करण देओल और राजकुमार संतोषी की बेटी तनीषा संतोषी मेन लीड में नजर आएंगी। लाहौर 1947 फिल्म की शूटिंग 1 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और इस फिल्म में हमें रियल लाइफ फादर एंड सन की जोड़ी ऑन स्क्रीन दिखाई देगी और इस फिल्म में हमें सनी देओल के छोटे बेटे राजील देओल भी देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें कि लाहौर 1947 जनवरी 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस बड़े अपडेट के बाद फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं सनी देओल और करण देओल को ऑन स्क्रीन फादर एंड सन की जोड़ी में देखने के लिए। ऐसे में आप कितने एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।